उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वहीं सर्द मौसम में सियासत गर्म होती जा रही है। सभी पार्टियां अपने किले को मजबूत करने के लिए दमदार सेनापति अर्थात प्रत्याशी सामने ला रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ब्राह्मण वोट भाजपा से नाखुश है। ब्राह्मणों को साधने के लिए अखिलेश यादव ने शतरंज की सबसे तगड़ी चाल चली है। ब्राह्मणों का भरोसा जीतने के लिए अखिलेश यादव ने खुशी दुबे की माँ से संपर्क करने के लिए एक डेलीगेशन उनके पास भेजा। सपा प्रवक्ता मेजर आशीष सिंह के साथ एक प्रतिनिधिमंडल खुशी दुबे की माँ के पास पहुँचा और ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से खुशी दुबे की माँ चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने भी कहा कि अखिलेश यादव अगर चाहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो खुशी दुबे को जेल से बाहर निकालेंगे। आपको बता दें, लगातार विपक्षी पार्टियां खुशी दुबे के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरती रही, सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताती रही। ऐसे में खुशी दुबे के परिवार को समाजवादी पार्टी अगर चुनाव मैदान में उतारती है तो माना जा रहा है समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण तबके का बड़ा स्तर समर्थन करेगा, लेकिन करेगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल राजनीतिक पंडितों का यही अनुमान है। सभी राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक से पीड़ित रहे और चर्चा में रहे उन लोगों को चुनाव में उतारने का काम कर रही हैं। इसी कड़ी में अब समाजवादी पार्टी खुशी दुबे की मां पर निशाना साध रही है। समाजवादी पार्टी की ये चाल कितनी सफल होती है ये तो देखने वाला विषय होगा। फिलहाल सभी का कहना है निर्दोष को जेल में नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी खुशी दुबे जेल में है, जिसको लेकर सरकार को कई बार विपक्षी पार्टियों ने घेरा, सरकार पर कई बार सवालिया निशान भी उठाए। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी खुशी दुबे की मां को चुनाव लड़ाती है तो बीजेपी को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, और कितना फर्क पड़ेगा, ब्राह्मण वोट कितना समाजवादी पार्टी को समर्थन करेगा, ये देखने वाला विषय होगा। देखा जाए तो लगातार ब्राह्मणों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा गया है। वहीं पश्चिमी यूपी में सबसे बड़े नेता पप्पू भड़ताल का भी हाल ही में टिकट काट दिया गया। हालांकि माना जा रहा है कि वर्तमान में जिसको टिकट दिया गया है वो भी ब्राह्मण है। ऐसे में ब्राह्मणों का साथ भाजपा दे रही है या ब्राह्मण भाजपा का साथ देंगे, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल चुनावी आंकड़े और समीकरण दोनों कभी भी बदल जाते हैं, इसका अनुमान कभी नहीं लगाया जा सकता। आप देख रहे हैं यूपी अपडेट, खबरों में रहना है नंबर 1, तो देख